मैनपुरी जनपद की तहसील किशनी क्षेत्र के ग्राम अभयपुर ग्राम पंचायत गुलरियापुर निवासी सरिता पत्नी ब्रजेश कुमार ने जिलाधिकारी मैनपुरी को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही दबंग लोग मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने पर उतारू है, जिसका विरोध करने पर उक्त लोगों के द्वारा लाठी डंडों व जान से मारने की धमकियां दी जाती है। कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी दबंग भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि ग्राम प्रधान की सह पर जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, जबकि उक्त जमीन का मामला सिविल कोर्ट न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद इसके अधिकारियों व कर्मचारियों के मिलीभगत से ग्राम प्रधान की खाओ कमाओ नीति के चलते पीड़ित को दबाने का काम किया जा रहा है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायत दी है कि मामले का निस्तारण किया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए, जिसके इसके लिए जिलाधिकारी ने पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कही है। किस गाँव की रहने वाली है? थाना कौन सा आपका? अच्छा, यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय आई, क्या पूरा मामला है बताएं जरा। खेत का मामला है और मतलब खेत के चक्कर में ये लोग मेरे खेत पर कब्जा कर रहे हैं, इसलिए हमारे और किसनी गए और चौकी पे गए, कोई सुनवाई नहीं भाई मेरी, इसलिए आए हैं और मतलब किसनी को भेजा मुझसे मतलब सी बिनते मन कर गए किसनी को बिनने लोगों ने मतलब जाते हैं कि मतलब पटाएं देखभाल नकवाने के लिए, देखभाल नहीं आया कल का मतलब कह दिया था तो कल भी नकवाने गए। अच्छा, तो वो लोग तो जमीन पे कब्जा कर रहे हैं? हाँ, कब्जा का मतलब काम चालू है, बंद कर नहीं रहे। अच्छा, मकान मकान पे कौन लोग हैं? वो विशाक लोग हैं। अरे नाम तो बताइए उनका, कौन कौन? सुरेश है, विनोद, और दो नाम मतलब तीन भाई हैं। तीन भाई हैं। हाँ। तो जबरिया कब्जा कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, अगर जो बात की जाए खेत में वो निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो कितने बिस्वा जमीन पर कब्जा किए हैं तो भाई? मतलब भैया 12 बजे जगह, 12 बजे पे, 12 बजे जगह पे मतलब कब्जा करो उनने। जब मतलब कान जाते हैं तो लाठी की जोर से धमकाते हैं, उन्हें मार देंगे और जो कर देंगे वो कर देंगे, और तब मतलब डंड के मारे फिर जाते नहीं हम सब लोग। तो SDM के पास गई थी क्या? हाँ, DM के पास गए, उन्हें बोल दिया कि मतलब नेकपाल जाएगा, नेकपाल का नंबर भी दिया, उसके पास कॉल करी, उसने नंबर उठाया नहीं। ठीक है, 2 बार कर चुके कॉल, 2 नंबर से कॉल की मैंने। ठीक, तो क्या क्या लगता है, क्या लेखपाल की और क्या गाँव के प्रधान से नहीं गई आप? प्रधान मेरा माफिक का नहीं है, उनके माफिक का है, उसी की बजाती है, पूरी मदद वो करता है। तो क्या प्रधान ही करवा रहा है ये काम? प्रधान करवा रहा है, प्रधान है वो करवा रहे हैं काम। अच्छा, हाँ, वो मारने की धमकी देते हैं। तो क्या लेखपाल और प्रधान की दोनों की मिली भगत है? हाँ, इसी लोगों ने रुपया खाया है और मतलब इसी लोगों ने करवाया है ये काम। मारने की धमकी कौन देता है? मारने की धमकी देते हैं ये मतलब जे रामवीर जे मतलब मेरे पति से कहते हैं तेरी औखाद क्या है प्रधान, ये औखाद भर रहा। हाँ, जब कुछ कहते हैं उनसे बोलते हैं, मतलब मेरे देवर ने उसके पाँव भी छूने के एक बार गई तो उसने मारने की धमकी दी और इसी किया कि तेरी औखाद क्या है अभी। आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार, पुत्र राजलाल। अच्छा, तो आपकी ही जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? जी हाँ। कौन कौन लोग हैं ऐसे? वो हमारे परिवार के यहाँ साके लोग हैं। अच्छा, तो शिकायत नहीं की आपने? शिकायत हमने हर जगह की था, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। क्या लगता है? नेकपाल और प्रधान मिले हुए हैं। अच्छा। नेकपाल अपना बस्ता लेके गया नापने के लिए, जो लोग झोपड़ी के पीछे नेकपाल को ले गए, जब वो कार अनुसार काम करने के लिए आया था तो झोपड़ी के पीछे क्या करने गया नेकपाल? अच्छा, एकांत में लेवा ले गए? हाँ, एकांत में लेवा ले गए। तो क्या लगता है? हमें ये लगता है, और क्या लगता है, वो जान अपने को था वहाँ नहीं नापा, जहाँ था वहाँ नाप दिया उसने। हाँ, और पैसे के लेन देन में हमारी जहाँ मेहनत थी वहाँ नहीं मेहनत करी, दूसरी जगह मेहनत कर दी। तो अगर जो बात करें लेखपाल का नाम क्या है? लेखपाल का नाम है अनुराग, और दूसरा वो सस्पेंड था अनुराग, और दूसरा था उसके चार्ज पे वो था दिनेश। अच्छा, तो दिनेश को दिनेश गए नहीं नापने गए? दिनेश भी गया नापने, अनुराग भी, दोनों को नापने। अच्छा, हाँ, लेकिन दिनेश ने ना तो नक्शा पकड़ा और ना मतलब जंजीर पकड़ी, तो अनुराग ही नापते रहे। हाँ, अनुराग तो एक वो सस्पेंड कर्मी है? सस्पेंड कर्मी तब था। अच्छा, जब आपको? हाँ, हमारी नापतौल हुई तब तो सस्पेंड था, चार्ज पे था दिनेश। तो क्या गलत नापतौल कर दी उसने? हाँ, गलत नापतौल कर दी। अच्छा, आप कब्जा कर रहे हैं? बेकब्जा कर रहे हैं। आपने मना नहीं किया? मना खूब करी है? फिर वे लाठी डंडा अलग जाकान लगा तंगे तो दिए खुद गार दिए, तो मैं ही जहाँ बना रहे था हम आएंगे कमजोर आदमी थे यहाँ तंगड़े। प्रधान से नहीं कहा आपने? प्रधान से कहा था, प्रधान से कहा को कहना औखाद के भीतर रहा जहाँ तुम आओ खाता। प्रधान भी धमकी देता है? प्रधान भी धमकी देता। अभी जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हो, क्या आश्वासन दिया है? अभी तो कागज जमा कर दिए, कहा कुछ नहीं। अभी मीटिंग है, अभी हम आएंगे तब नाम नंबर से फोन करेंगे, उसी नंबर से आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा सुरेश चंद जी, ये जो मकान बनवा रहे हैं कौन बना रहा है? जो लड़का मैं बनवा रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है उस लड़के का? सामने। अच्छा, इस मतलब जो ये आपका खेत है इस पर आप निर्माण कार्य कर रहे हो, विरोधी ने जो है सिविल में जो है एक अर्जी पेश की है, यानी न्यायालय में मुकदमा है चल रहा है, इसके बाद भी आप निर्माण करा रहे हैं?
नहीं तो न्यायालय में मामला चल रहा है बेचारा।